सभी को नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कौशी। हम भोजन को देखते ही क्या करते हैं, उसे मुंह में डालते हैं, काटते हैं, चबाते हैं और फिर निगल जाते हैं। क्या आपको पता है कि इन क्रियाओं के लिए हमारे मुंह में विशेष प्रकार के दांत होते हैं और जानवरों के दांतों को उनके खाने के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में सुधा अपने पिता के साथ एक दंत चिकित्सक यानी दांतों के डॉक्टर के पास जाती है और सुधा के पास दांतों और उनके प्रकार से संबंधित कई सवाल हैं। तो आइए सुनते हैं क्या क्या नया जानती है सुधा दांतों के बारे में। स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। अरे पिताजी, आप अभी तक काम के लिए क्यों नहीं निकले? आप ठीक नहीं दिख रहे हैं, लगता है आपको दर्द हो रहा है। हाँ सुधा, तुमने सही अनुमान लगाया है, बाएं तरफ के एक दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अपना खाना ठीक से चबा भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे दांतों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मैं भी आपके साथ जाऊंगी। चलो चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे जबड़े के बाईं ओर के दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। थोड़ा और करीब आइए सर, मैं आपके दांतों की जांच करूंगा। ओहो, उस ओर देखिए, आपकी दाढ़ में एक बड़ी केविटी है, इसी की वजह से आपको दर्द हो रहा है। हाँ डॉक्टर, बहुत दर्द है। इस दांत को तो निकालना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो मैं अभी से ही इस पर काम कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप जल्दी से इसे निकालिए। डॉक्टर साहब, ये मोलर क्या होता है? इनका उपयोग हमारे खाने को चबाने और पीसने के लिए किया जाता है। मास्क लगाओ, यहाँ आओ, मैं तुम्हें दांत दिखाता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी कैविटी है पिताजी की दाढ़ में। हाँ, कोई ऐसा जानवर बताओ जो अपना खाना चबा चबा कर खाता हो। गाय। बहुत अच्छा, गाय केवल पौधे और पौधों पर आधारित भोजन खाती है। जब वो चरती हैं, तो घास काटने के लिए वो अपने आगे के दांतों को उपयोग करती हैं, जिन्हें कैनाइन कहते हैं। वे उन्हें कुछ देर तक चबाते हैं और निगल जाते हैं। अच्छा, पर वे ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनका पाचन तंत्र घास को आसानी से पचाने के लिए बहुत विकसित नहीं होता है। इसलिए एक बार जब वो घास चरती हैं, तो वो निगली हुई घास को अपने मुंह में वापिस लाती है और अपने दाढ़ के दांतों से उन्हें लंबे समय तक चबाती है। इस प्रक्रिया में गाय हो या भैंस, घास से सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करती है। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, यानी हर्बिवोरस। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने, पर मुझे ये बताइए, क्या शेर और बाकी भी दाढ़ होती है डॉक्टर? सुधा, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पहले क्या मैं आपके पिता की दाढ़ निकालने का काम पूरा कर सकता हूँ? जरूर डॉक्टर। आपके सवाल का जवाब मैं ड्रेसिंग के बाद देता हूँ। हाँ जी, ठीक है डॉक्टर। मैंने आपको लोकल एनिस्थीसिया दिया है सर, जब मैं आपका दांत निकालूंगा तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। आप वहां जाइए। सुधा, तुम भी आकर देखो, ये दांत कितना खराब हो गया है। हे भगवान, पिताजी। क्या तुमने मुझसे कोई सवाल किया? हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप मुझे शेर और बाघ की दाढ़ के बारे में बताइए। हाँ, जंगल में शेर और बाघ जैसे जानवर रहते हैं,
वो शिकार पर हमला करते हैं, मांस को फाड़ते हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और फिर उन्हें निगल जाते हैं। उन्हें मांसाहारी कहते हैं। उनके पास कैनाइन दांत होते हैं जो उन्हें अपने शिकार का शिकार करने में मदद करते हैं। इनकी डाढ़ भी होती है, लेकिन ये नुकीली होती है क्योंकि इनका इस्तेमाल मांस काटने के लिए किया जाता है। वे अपना भोजन को चबाते नहीं है, ये कटे हुए टुकड़ों को ही सीधा निगल जाते हैं। तो क्या हम इंसानों को भी कैनाइन टीथ होते हैं डॉक्टर? मुझे पता था ये सवाल आएगा। हाँ, हमारे जबड़े के किनारों पर नुकीले दांत कैनाइन होते हैं। मनुष्य पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं और इसलिए हम ओमनिवोरस हैं। जानवरों के दांतों की संरचना उनके द्वारा खाए गए भोजन के आधार पर बनती है। अच्छा डॉक्टर, इसे मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब मैं अपने पिताजी के साथ आऊंगी तो मैं जानवरों के दांतों की विभिन्न संरचनाओं के बारे में एक चार्ट बनाकर लाऊंगी। यह तो बहुत अच्छा है सुधा, मैं इसे क्लिनिक में लगा दूंगा। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। मनुष्य के दांतों के विभिन्न सेट क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर 9813164542 पर, यानी 9813164542। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।